हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट विद प्रविंदर में। आज हम जिस ऑब्जेक्ट की स्केल बनाएंगे वो ये है हमारे पास, जो कि अंग्रेजी के एच अक्षर के समान है। स्केल बनाने का जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि जो भी कागज हमारे पास है उसके चारों तरफ एक एक सेंटीमीटर का हाशिया हम छोड़ देंगे। जैसे ये लगा रखा है, चारों तरफ हम एक एक सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे और हाशिया छोड़ देंगे। दूसरे स्टेप में हमने देखना होता है कि कागज को हम लंबाई के अनुसार पकड़ें या चौड़ाई के अनुसार पकड़ें स्केल बनाने के लिए। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की हमने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें नोट करनी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने है इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर और इस ऑब्जेक्ट की चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जब हम नोट करते हैं तो ये है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो इन तीनों ही चीजों को हम लिख लेते हैं, लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। इनको लिखने के बाद हमने देखना होता है अगर ऑब्जेक्ट की लंबाई ज्यादा है तो जो लंबा हिस्सा होता है पेज का उसको हम लंबाई बना लेंगे और अगर ऑब्जेक्ट की ऊंचाई ज्यादा है तो हम इस लंबे हिस्से को ऑब्जेक्ट की ऊंचाई बना लेंगे और ये जो छोटा हिस्सा है ये लंबाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ऊंचाई ज्यादा है, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, लंबाई 20 सेंटीमीटर है। अब चूंकि ऊंचाई ज्यादा है तो ये लंबा हिस्सा हम ऊंचाई बना लेंगे और ये जो छोटा हिस्सा है इसको हम लंबाई बना लेंगे। तीनों चीजें लिखने के बाद अब हमने करनी है पेपर बाट। पेपर बाट करने के लिए सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई को हम जोड़ेंगे जो कि 25 होगी। यहाँ पर जो हमने पैमाना यूज करना है वो है, वो यहाँ दिया है स्केल हाफ साइज। इसका मतलब होता है 1:2 का पैमाना हमने प्रयोग करना है। स्केल हाफ साइज का मतलब होता है अगर आप यहाँ पर देखें, जैसे 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 सेंटीमीटर इसके अंदर आएगा। आप देख सकते हैं स्पष्ट 20 सेंटीमीटर यहाँ तक होगा, परंतु यही 20 सेंटीमीटर अगर हम 1:2 के पैमाने पर देखें, ये हमारे पास 1:2 का पैमाना है, अगर इस पर हम 20 सेंटीमीटर देखते हैं तो वो यहीं पर आ जाता है। और अगर हम इन दोनों पैमानों की बात करें तो जितने हिस्से में ये 20 सेंटीमीटर आता है उतने हिस्से में एक्चुअल में हमारा 10 सेंटीमीटर ही है, यानी कि इसका ये हाफ हो जाता है। तो 20 सेंटीमीटर यानी कि 1:2 का पैमाना हम प्रयोग करते हैं तो उसमें 20 सेंटीमीटर उतनी ही दूरी पर होगा जितनी एक्चुअल दूरी में उससे हाफ होगा। इसलिए यहाँ पर लिख रखा है स्केल हाफ साइज, यानी कि हाफ साइज में ही हमारा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 1:2 का पैमाना हमने प्रयोग करना है। अब 1:2 के पैमाने के अनुसार सबसे पहले हमने लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दिया, 25 सेंटीमीटर है। किनारे से हम 25 सेंटीमीटर का हिस्सा लेंगे, यहां से लेकर यहां तक ये 25 सेंटीमीटर होगा। अब जितनी जगह हमारे पास बचेगी उसके हम तीन हिस्से करेंगे। ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर आता है, 24 सेंटीमीटर के हम तीन हिस्से कर लेंगे। तो 8-8 सेंटीमीटर का एक हिस्सा आता है, सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, उसके बाद जो लंबाई है वो हम काट लेंगे, लंबाई हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। इसके बाद 8 सेंटीमीटर का दूसरा हिस्सा छोड़ देंगे, फिर चौड़ाई लेंगे 5 सेंटीमीटर और इसके बाद 8 सेंटीमीटर का तीसरा हिस्सा बच जाएगा। ऐसा ही निश्चय करेंगे और इनको मिला देंगे। ऐसा करने से ये लंबाई का हिस्सा आ जाएगा जो कि 20 सेंटीमीटर होगा, ये एक्स्ट्रा जगह है जो हमने बीच में छोड़नी होती है। ये चौड़ाई का हिस्सा आ जाएगा जो कि 5 सेंटीमीटर है। हमने ऐसा क्यों किया है, ये लंबाई चौड़ाई का योग ही क्यों काटा और जो जगह बच्चे उसके तीन हिस्से ही क्यों किए, इसको अगर आपने डिटेल में समझना है तो मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसा करने के बाद हम चौड़ाई प्लस में ऊंचाई को जोड़ेंगे जो कि 25 और 5 30 सेंटीमीटर होगी। हम ऊपर से नीचे 30 सेंटीमीटर काटेंगे और जो जितनी जगह बचेगी उसके हम 5 हिस्से करेंगे, ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो जगह बची है लगभग 30 सेंटीमीटर ही है ये हमारे पास, इसके हम 5 हिस्से करेंगे। अगर इसके 5 हिस्से करते हैं तो 6 सेंटीमीटर का एक हिस्सा आएगा। उन 5 हिस्सों में से 2 हिस्से हम ऊपर छोड़ेंगे यानी कि 12 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ देंगे। उसके बाद ऊंचाई काटेंगे जो कि 25 सेंटीमीटर है, फिर हम एक हिस्सा छोड़ेंगे जो कि 6 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद चौड़ाई काटेंगे जो कि 5 सेंटीमीटर है और जो नीचे जगह बचेगी वो 2 हिस्से होंगे। ऐसे ही हम दूसरी तरफ करेंगे और उनको मिला देंगे। पहले हम 2 हिस्से काटेंगे जो कि 12 सेंटीमीटर होंगे, फिर ऊंचाई काटेंगे जो कि 25 सेंटीमीटर होगा, उसके बाद एक हिस्सा छोड़ देंगे जो कि 6 सेंटीमीटर होगा, उसके बाद चौड़ाई हम काटेंगे जो कि 5 सेंटीमीटर है
और दो हिस्से नीचे बच जाएंगे। इतना करने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने है इसकी पेपर पार्ट कंप्लीट हो जाएगी। दो हिस्से ऊपर छोड़ने के बाद ये जो हिस्सा आएगा ये एलिवेशन का होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे एलिवेशन, मतलब यहाँ पर सामने का दृश्य बनेगा। ये जो हिस्सा है ये साइड होगी, यहाँ पर साइड का दृश्य बनाएंगे। ये हिस्सा प्लान है, यानी कि यहाँ पर ऊपर का दृश्य बनेगा, और ये हिस्सा प्रोजेक्शन है। ये ध्यान रखना है कि ये जो भी लिखाई होगी ये बिल्कुल सुंदर ढंग से हमने लिखनी है। अब हम स्केल स्टार्ट करेंगे। ये स्केल बिल्कुल ही आसान है, इसको हम आसानी से बना सकते हैं। एलिवेशन के अंदर हम सामने का दृश्य बनाएंगे, तो जब हम सामने का दृश्य बनाएंगे तो सामने के दृश्य में एक तो हमें ये दिखाई देगा, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है जो कि यहाँ से हम देख सकते हैं। इसके बाद ये दिखाई देगा, इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से हम देख सकते हैं ये पूरा 5 सेंटीमीटर का है इधर से इधर तक। और ऐसे ही ये ऑब्जेक्ट है जो इन दोनों के बीच में है। तो शुरू करते हैं। स्केल हम 1:2 की ही प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम ये बनाएंगे ये वाला हिस्सा, इसकी लंबाई ये वाली हिस्सा 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का हम निशान लगा देते हैं। इसी प्रकार ये जो हिस्सा है ये भी 5 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ से भी हम 5 सेंटीमीटर का निशान लगा देंगे। ऐसा ही हम ऊपर करेंगे। और इनको मिला देंगे। जो भी लाइन स्केल का हिस्सा होगी उनको हम डार्क कर देंगे। सामने के दृश्य में ये दोनों हिस्से बनाने के बाद अब हमने ये हिस्सा बनाना है। अब इसको ये देखना है कि ये नीचे से कितनी ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर दे रखा है ये नीचे से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ये 5 सेंटीमीटर का हिस्सा है। स्केल हम वही 1:2 का ही प्रयोग करेंगे। नीचे से 10 सेंटीमीटर छोड़ देंगे और ऊपर का हिस्सा 5 सेंटीमीटर का होगा। ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। ये टोटल हमने 15 सेंटीमीटर लिया, 10 सेंटीमीटर हम छोड़ देते हैं, 5 सेंटीमीटर का हिस्सा ये ऊपर का हो जाएगा। अब हम इनको मिला देंगे। ये हमारे ऑब्जेक्ट का सामने का दृश्य बन जाएगा। अब साइड का दृश्य हमने यहाँ पर बनाना है। साइड के दृश्य में ये जो चीज है ये महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसको समझना जरूरी है। स्केल का साइड का दृश्य समझने के लिए हमने एक डमी ऑब्जेक्ट बनाया है, इसी की शेप का है, एचसी शेप में ये है। इसकी ये जो दोनों लेग होती है, एक ये और एक ये दोनों आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम साइज की है। दोनों की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई दोनों की 25 सेंटीमीटर है। ये भी 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई का है, ये भी 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई का है। इसकी लंबाई भी 5 है, इसकी लंबाई भी 5 है, इसकी चौड़ाई इधर से 5 है, इसकी भी चौड़ाई इधर से 5 है। जब कोई दो ऑब्जेक्ट इस तरह से, दो चीजें बिल्कुल सेम साइज की होती हैं, तो जब हम उनको ऐसे साइड से देखते हैं तो एक ऑब्जेक्ट के पीछे, एक हिस्से के पीछे दूसरा हिस्सा बिल्कुल यूं का यूं पीछे छिप जाता है। यानी कि दोनों के दोनों एक ही साइज की है, छिप जाएंगे एक दूसरे के पीछे। इसकी जो चारों लाइनें हैं यह हमारी, एक लाइन ये है, एक ये है, एक ये है, और एक लाइन ये है। इन चारों लाइनों के पीछे इसकी चारों लाइनें आ जाएंगी, ये वाले भी, इधर वाले भी, इधर वाले भी, और इधर वाले भी। तो जो चार लाइनें हम इसके लिए प्रयोग करेंगे उन्हीं के नीचे चारों लाइनें इसकी होंगी। परंतु ये जो हिस्सा होता है ये अलग साइज का है। इसकी जो ऊंचाई है इस तरह से वो इतनी नहीं है जितनी इसकी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हिस्सा है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, अब क्योंकि इसकी चौड़ाई पूरी 5 सेंटीमीटर है जितनी इसकी है, तो चौड़ाई तो हम उतनी ही रखेंगे, परंतु जो ऊंचाई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चौड़ाई है उसके लिए एक लाइन तो ये हम यहाँ पर दर्शाएंगे, और दूसरी लाइन ये हम यहाँ पर दर्शाएंगे, और ये दोनों लाइनें बिंदुदार होगी। स्केल के अंदर क्या होता है, जो लाइनें हमें बिल्कुल हमारे सामने होती है उनको हम डार्क दिखाते हैं, परंतु जो चीजें पीछे छिपी हुई होती हैं उनको हम बिंदुदार रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये चार लाइनें, 1, 2, 3 और ये 4, ये लाइनें बिल्कुल हमारे सामने स्पष्ट हैं, इनको हम डार्क दिखाएंगे। और यहाँ पर दो लाइनें आएंगी, जो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, उनको हम बिंदुदार रूप में दिखाएंगे। तो पहले हम ये हिस्सा बना लेते हैं। ये हिस्सा 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई का और 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई का है, जो यूं का यूं बना हुआ है। अब हम इसको डार्क कर लेते हैं क्योंकि ये स्केल का एक भाग है। उसके बाद जब हम इस हिस्से की बात करते हैं तो ये 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, 5 सेंटीमीटर का हिस्सा, तो हम 10 सेंटीमीटर एरिया छोड़ देंगे और उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर का हिस्सा लेंगे जो कि बिल्कुल इसी के सामने होगा।
इसको एक बार फिर आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर जो हिस्सा है ये हिस्सा आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा सामने के दृश्य में, परंतु साइड के दृश्य में ये हिस्सा इसके पीछे छिप जाएगा। इसलिए ये जो भाग है यानी कि ये वाला, जब हमने साइड के व्यू में बनाया तो बिंदुदार बनाया है, परंतु जब हमने सामने के व्यू में बनाया तो इसको डार्क हमने दिखाया यानी कि पक्का दिखाया, और ये दोनों एक ही सीध में होंगे यानी कि इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर जाएगा, क्योंकि यही हिस्सा साइड का हमने दिखा है, साइड के व्यू में भी यही हिस्सा हमने दिखा है। तो जितनी ऊंचाई पर यह हिस्सा इधर है उतने ही ऊंचाई पर यहाँ पर भी है। अब हम इसका प्लान बनाते हैं। प्लान के अंदर हमें क्या होगा, ये हिस्सा दिखाई देगा, ये हिस्सा दिखाई देगा, और इनके बीचों बीच ये हिस्सा हमें दिखाई देगा। ये जो गहराई है ये हमें दिखाई नहीं देगी, यानी कि जितनी ऑब्जेक्ट की चौड़ाई है ये वाली, इसको लंबाई हम कह सकते हैं, जितनी ऑब्जेक्ट की लंबाई है 20 सेंटीमीटर ये वाली, उसी 20 सेंटीमीटर के हिस्से में ये 5 सेंटीमीटर का ये दिखाई देगा, 5 का ये दिखाई देगा, और जो बीच में हिस्सा होगा ये हमें दिखाई देगा। अब हम 5-5 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेते हैं। 5 सेंटीमीटर का पहला हिस्सा होगा और 5 सेंटीमीटर का दूसरा हिस्सा होगा। ये ऊपर का ही प्रोजेक्शन आएगा नीचे, जो भी लाइनें स्केल का हिस्सा होगी उनको हम डार्क कर देंगे। मैं अपनी पिछली वीडियोज के अंदर भी बता चुका हूं कि एलिवेशन के अंदर जितनी भी लाइनें दाएं से बाएं की तरफ होंगी उन सभी का प्रोजेक्शन यहां पर जाएगा। जैसे ये ऊपर की लाइन है उसका प्रोजेक्शन यहां पर गया, फिर ये लाइन है इसका प्रोजेक्शन यहां पर गया, इसका यहां पर और इनका यहां पर, और जितनी भी लाइनें ऊपर से नीचे होगी उनका प्रोजेक्शन यहां पर आएगा, ये लाइन यहां पर आएगी, ये लाइन यहां पर आएगी। इतना करने के बाद अब हमने पैमाइश लिखनी है। पैमाइश लिखने का तरीका मैं पहली वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूं, यहां पर भी हम लिख लेते हैं। ये जो टोटल ऊंचाई है ये 25 सेंटीमीटर की है, हम ऊपर से नीचे तक एक लाइन लगाएंगे, बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, और ऊपर और नीचे दो मार्क लगा के एरो मार्क हम लगा देते हैं और यहां लिख देंगे ये ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार यहां हम साइड के व्यू में अलग अलग लिख सकते हैं, ऊपर का हिस्सा अलग से, नीचे का हिस्सा अलग से, और बीच का हिस्सा अलग से। तो उसके लिए हम ऐसे ही निशान लगाएंगे, ये यहां से लेकर और यहां तक का हिस्सा ये 10 सेंटीमीटर का है, ये हिस्सा 5 सेंटीमीटर का है यहां से लेकर और यहां तक का। उसी प्रकार जो ऊपर का हिस्सा बचा है वो भी हमारा 10 सेंटीमीटर का है, टोटल ये 25 सेंटीमीटर का, 10 हिस्सा ये, 10 सेंटीमीटर ये, 10 सेंटीमीटर ये, और 5 सेंटीमीटर ये। इसी प्रकार हम यहाँ के भी डायमेंशन लिख देंगे अलग अलग। ये जो हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक का ये 5 सेंटीमीटर का है, इसी प्रकार इधर का जो हिस्सा है ये भी 5 सेंटीमीटर का है, और जो बीच का हिस्सा है वो 10 सेंटीमीटर का। टोटल लंबाई 20 सेंटीमीटर थी, 5 इधर, 5 इधर, और 10 सेंटीमीटर बीच में। ये जो हिस्सा है चौड़ाई है ये हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो यहां पर हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। प्लान के अंदर भी हम चौड़ाई लिख सकते हैं, यहां जो हिस्सा है ये ऊपर से नीचे तक का ये 5 सेंटीमीटर का है, और यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारे डायमेंशन हम यहां पर लिख चुके हैं। ऊपर हम लिख देंगे जो स्केल हमने प्रयोग की है वो हम लिख देंगे, स्केल हमने प्रयोग की है 1:2 की। इस प्रकार से ये स्केल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।